ट्रैक, किस्सा दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। किस्सा दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये तो सबसे पहले एक बहुत बड़े ऑनर की बात है कि मैं उनसे रिलेटेड हूँ। वो मेरे दादाजी के छोटे भाई थे, पंडित सत्यदेव दुबे। लेकिन मेरा उनके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहा नहीं। और हाँ, वो अपने आप में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, लेकिन जो थिएटर जगत है, द थिएटर वर्ल्ड ऑफ बॉम्बे और दिल्ली, जो हिंदी थिएटर है, उसके लिए उन्होंने बहुत काम किया था, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। लेकिन मेरा उनके साथ ज़्यादा कभी, बॉम्बे में आया था 2007 में और 2011 में उनका देहांत हो गया था। तो 3-4 साल जो भी थोड़ा बहुत मेरा इंटरेक्शन रह पाया, बट मुझे नहीं लगता मुझे कुछ, मैं कोई बर्डन लेके चल रहा हूँ। मेरी खुद की आइडेंटिटी है, मैं खुद अपना एक एक रास्ता बनाना चाहता हूँ, और जैसे जैसे मैं काम करता हूँ, करता जा रहा हूँ, वो चलता चले बस। इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। ये मज़े की बात ये है कि मुझे ये फिल्म एक ऐसी इंडिपेंडेंट फिल्म से मिली थी जो बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं देखी थी, कैरी ऑन कुत्तों, बलिया में बेस्ड थी वो फिल्म। और वो मान्यता मैम ने फ्लाइट में देखी, फिर उस फिल्म को उन्होंने संजय दत्त को दिखाया, संजू सर ने देखा, उनको लगा यार ये लड़का अच्छा काम कर रहा है, तो उन्होंने ना ऑडिशन लिया, ना कोई स्क्रीन टेस्ट लिया, मेरे पास प्रस्थानम आ गई। और फिर इतनी बड़ी फिल्म में आपको, आप कंधे से कंधा मिलाकर संजय दत्त, जैकी श्रॉफ जैसे एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, एक छोटे शहर के लड़के के लिए जो एज एन एक्टर अपनी जगह बनाना चाह रहा है इंडस्ट्री में, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और जो किरदार भी है प्रस्थानम में, ही इज़ द एंटी हीरो ऑफ द फिल्म, उसके कारण ही पूरी कहानी में उथल पुथल होती है। नहीं तो एक सिंपल सी अच्छी सी कहानी जा रही है, लेकिन यही एक किरदार है जिसके कारण सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण था कि उस किरदार को आप जिएं, और वो इतना विपरीत था मुझसे, यानी मैं उससे, उसके कोई भी डिसीजन से, वो जो भी चीज़ें कर रहा है उससे रिलेट ही नहीं कर पा रहा था। क्योंकि और एज एन एक्टर वही आप चाहते हैं, आप ऐसे किरदार करना चाहते हैं जिसका दूर दूर से आपका कोई वास्ता ना हो। तो ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस था मेरे लिए ज़्यादा ये कैरेक्टर करना। लेकिन अब जब काम की तारीफ हो रही है तो अच्छा लग रहा है। कई लोगों ने ये कहा, मुझे पता है एक स्क्रीनिंग थी कुछ दिनों पहले, तो एक लड़की निकली स्क्रीनिंग से, उन्होंने, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता, बट लाइक डीप आई हेट यू, एंड वो चली गई। फिर अपना कॉफ़ी उठा के वापस आए, बोले वो आपके लिए नहीं था, आपने जो कैरेक्टर किया उसके लिए था, लेकिन आई हैव सीन योर एड फिल्म, आई हैव सीन योर फिल्म बिफोर, बट आई नेवर इमेजिन्ड यू टू बी सो इन अ डेविल डेविल स्टेट। वो हिंदी में एक शब्द होता है विभत्स। वो किरदार पहले आप देखते हैं तो धीरे 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 करते 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 वो इतना विभत्स हो जाता है कि फिर लोग उसको हेट करने लगते हैं। लेकिन मेरा ये था कि अगर लोग उससे, उसके लिए थोड़ी सिंपैथी भी फील करें, क्योंकि हर इंसान ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है, उसके पीछे रीज़न क्या था, वो ऐसा बना क्यों, और वो भी हमने फिल्म में दिखाने की कोशिश की है और लोगों को नज़र आ रहा है वो, तो ऑडियंस एम्पथाइज भी कर पाती है। लेकिन फिर आपके कारनामे अगर इतने माशाल्लाह हो, तो फिर मैं उनको बाबा की तरह ही देखता हूँ। मुझे याद है पहले दिन जब मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, मैं रीडिंग के लिए गया था, तो पीछे से एक हाथ आया से किसी ने, तब तक मैं बाबा से मिला नहीं था, मैंने टर्न किया, संजय दत्त स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैंने तुम्हारा काम देखा है, एंड यू आर रियली गुड, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विथ यू, एंड हमारे कुछ बहुत अच्छे सीन्स हैं साथ में। तो मेरे लिए थोड़ा वो सरियल टाइप का मोमेंट था, ऐसा लग रहा था हो रहा है नहीं हो रहा है, पिंच करूँ अपने आप को। फिर वहाँ से बात आगे बढ़ी, फिर हमने शूट करना शुरू किया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि एज एन एक्टर मैं बहुत ही भूखा हूँ, और मुझे पता था इस किरदार को अगर मैं अच्छे से कर गया तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। और आप जो भी काम करते हैं, हर काम में आप जान डालना चाहते हैं, लेकिन ये किरदार ही कुछ इतना पागलपन से भरा हुआ था। और एक एक बेटा अपने बाप से हमेशा लड़ पड़ता है, उससे हमेशा उसका एक, बहुत सारे हमारे अच्छे सीन्स थे, इंटेंस सीन्स थे। तो एक आपके को एक्टर से जब आपको इतनी स्ट्रांग एनर्जी मिलती है ना, जो मुझे बाबा से मिल रही थी,
वो एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस देती है आपको। उनका प्यार से छोटी मोटी चीज़ें बताना, उनका जो दत्त साहब के साथ रिलेशन था, उनका किस किस्म का रैपो था, तो मुझे इनडायरेक्टली रियलाइज़ हुआ वो मेरे से बार बार ये बातें शेयर कर रहे हैं, शायद कुछ पैरेलल हो सकता है उनका दत्त साहब का जो रिलेशन था रियल लाइफ में वो ऑन स्क्रीन बलदेव और विवान का हो सकता है। तो मैंने उनकी बातें बस चुपचाप सुनता तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से मैंने पिकअप की। वो बल्लू बलराम खलनायक के अपने दिनों की बात बताते थे, बहुत सारी चीज़ें। इतना लंबा करियर रहा है, एक हम सीन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बेटा ये छोटी सी चीज़ें को इसको ऐसे कर दोगे तो शायद कुछ हो जाए, ट्राई करो। और जब मैंने ट्राई किया तो सीन जो मैं यहाँ तक फील कर रहा था फिर यहाँ तक फील करने लगा, और वो सीन ख़त्म हुआ तो सारी टीम ताली बजा रही थी, उन्होंने दोनों एक्टर्स ने इतना अच्छा काम किया है। लेकिन मेरे डायरेक्टर को एक्टर्स सब इतने अच्छे हैं, तो फिर अगर आप अच्छा नहीं करें तो फिर मज़ा नहीं आता है। हॉर आपको आपको जॉनर बता सकता हूँ मैं, हॉरर कॉमेडी होगा। नेक्स्ट ईयर शुरू होगी जनवरी या फेबररी तक, लेकिन उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता आपको अपने किरदार के बारे में। फन लविंग होगा, मस्ती वाली फिल्म होगी, लेकिन उसके बियॉन्ड अभी जो हाई कमांड जब बोलेंगे देन आई कैन शेयर इट, या वो खुद अनाउंस करेंगे। और एक भी है, हाँ और एक फिल्म है उसके बारे में अभी, यानी अभी प्रस्थानम खत्म हो गई, फिर उसमें फिर उसके बाद उस बीच में दूसरी चीज़ें भी चल रही हैं। एक बहुत बड़ी वेब सीरीज़ कर रहा हूँ मैं सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के साथ इंडिया के, अगेन उसमें मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो नाम डायरेक्टर का और जिस प्लेटफॉर्म में वो बोल नहीं सकता, लेकिन जो अंदर बता सकते हैं आप इट्स इट्स बेस्ड ऑन एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी उसके ऊपर है हमारे शहर में, और ह्यूमन इमोशन से डील करता है। वो जब ट्रेजेडी हुई थी तो लोग कैसे उसे रिएक्ट उस पर रिएक्ट कर रहे थे, कैसे झेल रहे थे उन सारी चीज़ों को, आसपास का माहौल कैसा था, लोगों के ऊपर क्या बीत रही थी, जो लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे उनके ऊपर क्या बीत रही थी, जो सफ़र कर रहे थे उनके ऊपर क्या बीत रही थी। बहुत ही रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, कुछ ऐसा एग्जैजरेटेड ड्रामा नहीं है। तो लोगों को उस ट्रेजेडी का एक नया पहलू देखने को मिलेगा, और बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जो ये बना रहे हैं, तो उनका काम करने का तरीका भी एक ऐसा है कि फिल्मों में आपके रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, लेकिन जब आप एक वेब सीरीज़ बनाते हैं एक प्लेटफॉर्म के लिए तो आपको एक छूट होती है कि आप बहुत सारी चीज़ें बेबाक तरीके से कह सकते हैं विदाउट उसको सेंसर किए हुए या ऐसा कुछ। तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही हार्ड हिटिंग सीरीज़ होने वाली है, और मेरा जो किरदार है अगेन वो कुछ बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। तो अभी उसकी प्रिपरेशन चल रही है, रीडिंग वर्कशॉप्स, तो इनफैक्ट मैं कल ही मेरा पहला दिन था रीडिंग का डायरेक्टर और सारी कास्ट के साथ, तो अच्छा टाइम चल रहा है। शॉर्ट फिल्में तो मैंने बहुत की थी, जैसे जब बीच में मैं फिल्में नहीं कर रहा था, और या कि मैं कहूँ ऑनेस्टली आपको कहूँ कि जैसी फिल्में मैं करना चाहता था वैसी मेरे पास आ नहीं रही थी, तो एज एन आर्टिस्ट यू डोंट वांट टू बिकम स्टैगनेंट, आप अटक के नहीं रहना चाहते। तो मुझे ऐसा लगा कि यार अगर शॉर्ट फिल्म भले ही इतनी बड़ी ऑडियंस ना हो, लेकिन एज एन आर्टिस्ट मुझे बहुत अलग अलग किरदार करने का मौका मिलेगा। जैसे एक लव बाइट्स थी, चोरी चोरी प्यार, हर्षित जो हैमलेट का एडेप्टेशन था, बहुत सारी शॉर्ट फिल्में की मैंने। उसके बाद एक दो गाने बनाए खुद के, आप सिंगल की बात कर रहे थे, आज तक किसी ने ये सवाल किया नहीं, लेकिन मैं सही समय का इंतज़ार कर रहा हूँ, तब उस सिंगल को मैंने कंपोज़ किया है, लिखा है, कुछ कुछ करता रहता हूँ। हाँ तो अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग वो हमेशा एक एक सवाल चलता रहता है ना, कि हमेशा आप एक किरदार कर रहे हैं जो किसी राइटर ने लिखा है, कोई डायरेक्टर आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि भाई इसे ऐसे करो, कपड़े किसी और के हैं, जूते किसी और के हैं, मेकअप कोई लग, तो मैं कौन हूँ फिर उसमें? तो एज एन आर्टिस्ट वो आप सवाल करते हैं अपने आप से, और वो मेरा सवाल चलता जा रहा था। तो मैंने गाना लिखा, फिर कुछ पोइट्री लिखी, फिर कुछ आर्टिकल लिखा, फिर मुझे लगा ये भी मेरा नहीं है, क्योंकि इसकी भी इंस्पिरेशन कहीं से आती है, तो यू आर जस्ट अ मीडियम, तो आपका कुछ है ही नहीं इवेंचुअली। हाँ हमारा कुछ नहीं है, लेकिन एक एक चीज़ होती है हमेशा से, एक अंदर से आवाज़ आती है कि ये सही समय इस वक्त इसको कर दो। और अभी मैं जिस किस्म की एक्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है मेरे पास, मैं उसमें इतना ज़्यादा बिजी हूँ कि मैं पूरा ध्यान वहीं डालना चाहता हूँ, और जब वो सही समय आएगा तो आई विल डेफिनेटली पुट इट आउट। इट्स लाइक किस्सा दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का, किस्सा दिल से दिल के एतबार का,
जिंदा है हम ही से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। बहुत ऐसे सतही तौर पे भी है चीजें, लेकिन बहुत जरूरी है क्या? एक तो डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया है, तो आप अपार्ट फ्रॉम जो आपका मेन जॉब है जैसे एक्टिंग हो गया, उसकी जगह बहुत सारी दूसरी चीजें भी कर सकते हैं, और आपके पास यूट्यूब जैसा मीडियम है, इतने सारे अलग मीडियम है जहाँ पे आप अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं एज एन आर्टिस्ट। और मेरा मानना है कि एक एक्टर सिर्फ एक्टर नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑफर करने के लिए, और सही समय पे उसे बाहर लोगों के साथ शेयर किया जाए वो भी ज़रूरी है। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि एक साथ अपने सारे पत्ते नहीं खोलने चाहिए जी, बिल्कुल। मैं भी कि अच्छा ये भी करता है, ओ अब इसने ऐसा किरदार किया है, ओ अब ये इसने पोइट्री निकाली है, अब ये कर रहा है, तो कोशिश रहेगी कुछ अच्छा करता रहूँ अलग अलग।